सिद्धू, सिद्धू जब से तुम कॉलेज से आए हो तब से मैं तुम्हें देख रहा हूं। बीटेक में अच्छी पढ़ाई करके मुझे उम्मीद था तुम सेटल हो जाओगे। लड़कियों के पीछे घूमना या कॉलेज बंक मारने पर कभी कुछ नहीं कहा। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। सोचा था कि तुम जवान हो, जवान लड़कों की तरह मजे कर रहे हो। अभी तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन तभी पूछ लेना चाहिए था क्यों आवारा की तरह घूम रहे हो। मुझे पूछना चाहिए था। जब तुम्हारे मार्क्स कम आने लगे तो सोचा था अगले एग्जाम में पूरे हो जाएंगे, क्योंकि तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो ना। जब तुम उन स्मगलर्स के साथ घूम रहे थे तभी मुझे लगा था कि ऐसा कुछ जरूर होगा। कई बार तुम्हें रोकने की कोशिश की, तब तुम रुकने की स्थिति में नहीं थे, और अब मुझे पूछने का कोई हक नहीं है। फिर भी पूछ रहा हूं, बोलो सिद्धू, बोलो। इसमें मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है सर, अनजाने में सब कुछ हो गया। जो भी हुआ उसे आप मेरी मासूमियत समझ सकते हैं। इन सब के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है सर। मेरी जिंदगी से कुछ स्टूडेंट्स को उनकी जिंदगी में सीख मिले, इसलिए मैं ये कहानी बता रहा हूँ। मेरा नाम सिद्धू है, मैं बीटेक का स्टूडेंट हूँ। मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो 10th में मैं अच्छी रैंक से पास हुआ, तब मुझे लक का मतलब समझ आया। इंटर में मैंने टॉप किया, इसी के साथ मैंने बीटेक में कदम रखने के बाद एक लड़की ने मुझे आकर्षित किया, उसका नाम श्रुति था। अरे यार देख तो जरा, ये लड़कियां कितनी खूबसूरत है यार, मानो अप्सराएं स्वर्ग से उतरकर जमीन पर आ गई हों। आजकल की लड़कियां बहुत फास्ट है यार, लगता है कि पट गई है लेकिन किसी से नहीं पटती। कचरा आंख में गिरता है और कांटा पैर में चुभता है, लड़की हो तो प्यार करना ही होगा। लड़कियों को समझ क्या रखा है, छी बेवकूफ। ऐ सुनो जरा, मैं बेवकूफ ही हूँ, लेकिन जैसा फिल्मों में लोग बेवकूफ बनाते हैं वैसा मैं नहीं हूँ। मेरी बेवकूफी का एक हिसाब है। आखिर में हो तो बेवकूफ। वो मुझ पे गुस्सा होके गई, लेकिन मुझे उसमें प्यार नजर आ रहा था। गुड मॉर्निंग सर। कौन है यार ये? नमस्कार के बदले नमस्कार करना संस्कार है सर। कौन बोला अभी? वॉचमैन सर, गुड मॉर्निंग कहने पर रिसीव करना भी नहीं आ रहा है बेवकूफ को। एक बात समझ लो, मैं तुम्हारा लेक्चरर हूँ। किसके लेक्चरर? अगर ऐसे डायलॉग्स मारोगे तो तुम्हारा पूरा ईयर बर्बाद कर दूंगा। नहीं सर, हम सब अच्छा नाम कमाएंगे। तुम क्या बनोगे? मैं पायलट बनूंगा सर। अच्छा, और क्यों बनना चाहते हो? सबसे ऊपर होना चाहिए ना सर। हाँ बस बस, बहुत हुआ, बैठ जाओ। सर मैं हीरोइन बनूंगी सर। और वो किस लिए? मुझे सिलसिला बहुत अच्छी लगती है सर। हमारी इंडस्ट्री में हीरोइंस की बहुत कमी है, जाकर तुम पूरी कर दो। थैंक यू सर। बैठ जाओ। सर मैं आरटीओ बनूंगा सर। थैंक यू माय चाइल्ड, मेरी पढ़ाई से कम तुम तो कामयाब हो ही जाओगे। मेरे माता पिता ने बहुत मेहनत करके पढ़ाया है सर, उनकी खुशी में मेरी जिम्मेदारी है सर। अच्छी नौकरी लगने के बाद खूब रिश्वत लूंगा मैं सर। हे ईश्वर मुझे बचा ले, मैं कैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। क्लासरूम में सबने अपना अपना लक्ष्य बता दिया, लेकिन मेरा लक्ष्य सिर्फ एक ही था कि आखिर मैं उस लड़की को इम्प्रेस कैसे करूँ। यही मैं सोचता रहता था। मैंने चुपके चुपके उसे फॉलो करना शुरू कर दिया। वो जिस कलर का ड्रेस पहनती थी मुझे भी उसी कलर का ड्रेस पहनने का मन करता था। ऑटोमेटिकली उसके ड्रेस के सारे कलर्स के कपड़े मैं खुद पहनना शुरू कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो सकता है। तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 क्यों नहीं हो सकता? और नहीं तो अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अगर 1 होता तो क्या होता?
साइन स्क्वायर थीटा की बात नहीं करते, टेन स्क्वायर थीटा के बारे में बात करते हैं। टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हुआ? सर ये टी शर्ट मेरी है सर, मुझसे छीन लिया इसने, बताइए ना इसको। ए, खड़ा हो जा, खड़ा हो। अरे उसकी टी शर्ट पहनने में शर्म नहीं आती तुझे? सर वो अरे वाह, शर्म भी आती है क्या तुझे? वाह वाह, बैठ जा, बैठ। थैंक यू सर। बैठ। अरे मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग बीच में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? मैं किसी तरह प्रिपेयर्ड होके आता हूँ, तुम लोग बीच में डिस्टर्ब करते हो, मैं भूल जाता हूँ, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। ओह माय गॉड, मेरी कैफ के आने का टाइम हो गया। तुम लोग आ गई मेरी कैब, मैं खुद ही तुम्हारे पास आने वाला था। देख लूंगा। सारी दुनिया सो रही थी लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता था। मुझे कैसे भी करके कल श्रुति से बात करनी थी। बस मैं सुबह होने का इंतजार कर रहा था। यार कीर्ति तुझे ही देख रही है, एक बार देखना। देख तो सही, कीर्ति तुझे ही देख रही है। पढ़ते हुए कितना क्यूट लगता है, इसीलिए तो मुझे बहुत पसंद हो शिवा। अब मैं देखती हूँ कि तुम कहाँ जाओगे। श्रुति, 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 श्रुति रुको तो सही, एक मिनट के लिए रुक जाओ ना यार, प्लीज। श्रुति, श्रुति रुक जाओ प्लीज। शाम को मैं तुम्हारा चॉकलेट रूम में वेट करूंगा, तुम आओगी ना? तुम वेट करोगे तो मैं क्या करूं? तुम आओगी शाम को 6 बजे। मैंने कहा ना नहीं आऊंगी, तुम्हें समझ नहीं आता? तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि तुम किस कलर की ड्रेस में आओगी। तुम शाम को 6 बजे चॉकलेट रूम में मुझे मिल रही। तुमको भी जो कहना कहो, मैं नहीं आऊंगी। अगर मेरा प्यार सच्चा रहा तो श्रुति मुझसे मिलने जरूर आएगी। क्या यार, वो लड़की तुझे दोपहर में कितना भाव दे रही थी, तेरी जगह मैं होता ना तो अब तक सेटिंग कर चुका होता, समझ गया, दीवाना बना देता। तो क्या हो चुका होता पीना? ए तू चुप कर, तुझे लड़कियों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। यार तू मुझे बता, तुझे वो लड़की पसंद नहीं आई क्या? वो नहीं, मुझे कई लड़कियां पसंद नहीं आती यार। अरे अच्छा। लड़कियां एटम बॉम्ब की तरह होती है, जब तक दूर है तब तक ठीक है, पास आते ही अनजाने में फट जाती है यार। मतलब तू कभी प्यार नहीं करेगा? प्यार में रखा क्या यार, लॉस ऑफ मनी, आउट ऑफ माइंड, वेस्ट ऑफ टाइम एंड फाइनली एंड ऑफ लाइफ। यार तुझे एक बात बताऊं? और क्या है उसमें? अरे यार यार, प्यार फैट की तरह बढ़ना चाहिए लेकिन घटना नहीं चाहिए। क्यों, कैसा लगा? तेरी तरह ही बेकार है। कहो तो एक और सुनाओ। बिल्कुल नहीं। वैसे हमारा सेट कहाँ है यार? घर में अगर मम्मी पापा कोई छोटा काम बोले तो भी हम उससे बच के भागते हैं, वहीं एक लड़की के लिए घंटों महीनों वेट करते हैं लड़के। ऐसा ही कुछ मेरी भी लाइफ में हुआ, जो दूसरे लड़के करते हैं वही सारा कुछ मैं भी कर रहा था। हाँ, मुझे पता था वो जरूर आएगी, आखिर तुम आ ही गई। मैं तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, फ्रेंड्स की पार्टी है इसलिए आई हूँ। यार किसी ने सच ही कहा है, सारी लड़कियाँ एक जैसी होती हैं। सारी लड़कियां मतलब कितनी लड़कियों को जानते हो? ओके ओके, ठीक है ठीक है, आ जाओ।
बताओ। मैं बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेडीज फर्स्ट। ठीक है, बताती हूँ। ठीक है। ए, ताज चॉकलेट खाओगे? बहुत अच्छा है। एक्सक्यूज मी। यस मैम। वन ताज चॉक प्लीज। जी अभी लाया। व्हाट्स अप? फास्ट फास्ट फास्ट। ताज तुम्हें काफी पसंद है। मुझे ताज बहुत पसंद है। बहुत सुंदर है ना? तुमसे ज्यादा नहीं। ये लो। ऑसम है ना? अरे देख क्या रही हो, खाओ ना। ताजमहल है ना, खाने का मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है बस देखती रहूं। तो देखती रहो। देखती रहूं? वाओ। एक्सक्यूज मी, वन कॉफी प्लीज। हे, सी दिस पिक? दिस वन। दिखनी नहीं। जस्ट वेट, आई विल कम देयर। मुझे ये पिक बहुत पसंद है। हे, यहाँ देखो, मुझे नहीं। तुम यहाँ देखो ना, मुझे क्यों देख रहे हो? ये पिक ये देखो कितना अच्छा है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। हे, इधर देखो, मुझे नहीं। यहाँ। थैंक यू। मुझे क्या देख रहे हो? कॉफी पियो। टाइम हो रहा है, मैं जाऊं? इतनी जल्दी? थोड़ा और नहीं रुक सकती? ठीक है, जाओ। ओके, बाय। उस ताजमहल चॉकलेट ने हमारे बीच की दूरियों को कम करके हमारे बीच प्यार बढ़ा दिया। क्वार्टर में रम में विस्की है भाई, ये तो दारू है। रम गरम करती है, विस्की ठंडा करती है, दोनों पियो तो टेंशन है। झगड़ झगड़ा झगड़ झगड़ जाम्बा, झगड़ झगड़ा झगड़ झगड़ दाम्बा, झगड़ झगड़ा झगड़ झगड़ जाम्बा, झगड़ झगड़ दाम्बा, झगड़ झगड़ा झगड़ा। तो मजा आ रहा है। आप इसे पीकर अपनी तबीयत क्यों खराब करते हो? किसने कहा कि मेरी तबीयत खराब है? मैं इसको पीता हूँ तो खुशी होती है, मजा आता है मुझे। अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में समझ में आएगा आपको। देखो छोटे, जब तुम्हारे ऊपर का था तो बहुत लोगों ने यही कहा, तब समझ में नहीं आया, अब ये छूटती नहीं है, इसीलिए मैं इसको पीते रहता हूँ। एक बात बताता हूँ, याद रखना, जितना शास्त्रों में गुरु हमें सिखाते हैं उतनी हमें जिंदगी सिखाती है, यही दारू की सच्चाई है। समझ में नहीं आ रहा, इन्होंने पी ज्यादा ली है या फिर ये जानबूझ के ये सब बोल रहे हैं? मैं पी रहा हूँ, इसको चल रही है। कभी मैं भी तेरी तरह रहता था। जिंदगी में हमें खुश करने वाली हर चीज अच्छी नहीं होती, पहले हमें खुश करती है, फिर आदत हो जाती है, बाद में जब समझ में आती है कि अच्छी नहीं होती तो उसकी लत लग जाती है। इसकी तरह कहते हैं ना, पीने के बाद लोग बड़बड़ाते हैं, शायद इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है।
मुझे अभी समझ में नहीं आएगा। पहले लड़की और दारू दोनों में किक मिलती है, बाद में खुशी और सेहत दोनों को मौज आते हैं, नहीं तो मैं ऐसा क्यों होता। सुधीर है। जब इसके बाप तूफान की यात्रा कर रहे थे तब ये हवा में पैदा हो गया, इसलिए इसका नाम तूफान सुधीर रख दिया गया। ये पवन कल्याण की एक्टिंग के पीछे पागल है। हमारे सुपर सीनियर में दूसरा नाम बेशर्म सुपर सीनियर शीनू का है। ये किसी की भी आवाज बड़ी ही बेशर्मी से मिमिक करता है, इसीलिए इसको सब बेशर्म शीनू कहते हैं। महेश बाबू की मिमिक्री करने में एकदम एक्सपर्ट है और इसका नाम है रेबल रवि, और ये जो भी करता है वो सब रेबल की तरह लगता है, इसलिए सब इसे रेबल रवि कहते हैं। ये भी अपनी जिंदगी में एक अजीब नमूना है। ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, दीवाना, दीवाना। चुप कर। ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, 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 दीवाना। यार तू कुछ भी बोल, पैक का मजा तो लेग पीस के साथ ही आता है। ले तो तेरे लिए लेग पीस लेके आया हूँ। अरे यार एक ही पैक में तेरा ये हाल है, अभी तो पूरी बॉटल पड़ी है, पूरी रात मस्ती करनी है हमें, समझ गया? अरे हमें नहीं तुझे चढ़ी है मालूम, हिरन को मारने वाला सलमान खान था, इसलिए सिर्फ 7 साल जुर्माना दिया, अगर हम होते तो 7 और 7 49 साल अंदर होते। अरे इतने वक्त सिर्फ अच्छी बातें करनी चाहिए, जैसे कि फिल्मों की, गानों की, या फिर लड़कियों की, या फिर फॉरनर लड़कियों की। You big foreigner girl? Yes. सुपर है यार, तुझे अमेरिका चाहिए, फिलीपींस चाहिए, रशियंस? हमारे पास वो बजट नहीं है यार, लोकल में जो मिले उससे ही सेट कर ले, समझ गया ना? एक मिनट रुक यार, एक मिनट रुक। क्या करने वाला है तू? अरे अरे रुक यार, मिल गया मिल गया। रवि क्या करेगा? लोकल का नंबर यार। अरे सुधीर नंबर पता था, डायल कर। अरे करने यार, 9 8 4 9 0 3 7 4 4 0 सुनने बात कर, डायल कर, डायल कर यार। यार रिंग जा रही है, उठाया क्या? क्यों बता? हेलो हेलो, ए ब्रोकर है? ब्रोकर नहीं, मध्यस्थ। जो भी है सही है ना? मेरे लिए जो भी होगा मेरे लिए यही सही है, करेक्ट। ए अरे उससे क्या बात कर रहा है यार, दारू काम कर रही है, जल्दी बात कर। कुछ खाली है? सिर्फ एक है। ए यार सिर्फ एक ही है? यार आजकल उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो जल्दी जल्दी बात कर वरना वो जगह भी फुल हो जाएगी। ओके ओके, रेट क्या है? ऊपर का पोर्शन 1 रेट, नीचे का पोर्शन 1 रेट, बीच के पोर्शन का 1 रेट। वैसे आपको कौन सा पोर्शन चाहिए? ये क्या बोल रहा है, ऊपर का पोर्शन, नीचे का पोर्शन, बीच का पोर्शन? यार
अरे यार वो सही बोल रहा है, पता है क्यों? क्योंकि दूसरों को समझना है इसलिए वो कोड में बात कर रहा होगा। अरे बकवास बंद कर और काम की बात करना पहले। ये बताइए कैसी है? नीचे से ऊपर देखने पर जिसकी स्पेशलिटी उसकी है। मतलब ऊपर कैसी है? तुमने अभी तक नहीं देखा होगा, एक बार देखोगे तो चक्कर आ जाएगा तुम्हें। तो बीच वाला? उसे देखोगे तो पागल हो जाओगे, हमेशा बीच में रहने का मन करेगा। हाइट कितनी होगी? हाइट? ओहो अच्छा, शायद कितनी हाइट में बनाया होगा ये जानना चाहता है। हाइट बहुत अच्छी है, उसका रंग भी मस्त है। कौन सा रंग? व्हाइट, प्योर व्हाइट। प्योर व्हाइट है यार। आपकी बात सुन एकदम पगलाए जा रहा हूँ। आप इतना एक्साइट हो रहे हैं, अगर अंदर जाएंगे तो और भी मजा आएगा। लगता है आपको बहुत एक्सपीरियंस है। जब जवान था तो 4-5 मेंटेन करता था, अब एज हो गया है ना, बॉडी साथ नहीं दे रही है, चढ़ने उतरने में बहुत मुश्किल हो रही है, इसलिए 2 ही मेंटेन करता हूँ। इन दिनों आप 2 को मेंटेन कर रहा था, उस वक्त तो हिला दिया होगा। ये सब छोड़ो, आगे की बात करते हैं। वैसे रेट बताइए। घर का सब सामान मिलाकर 25। ठीक है, लेकिन हमें सामान से क्या? ओह का मतलब घर। ये दोबारा घर क्यों बोल रहा है? अरे घर का मतलब घर में रहने वाली लड़की यार। भाई घर चाहिए भाई। 20 लाख। एक रात के 20 लाख? क्या कहा? तुम्हें एक रात के लिए चाहिए? एक रात के लिए चाहिए? एक रात के लिए नहीं, तुम्हें हमेशा के लिए बेच दूंगा। बेचेगा? लड़कियों को बेचता है ये? लड़कियों के बेचेगा तू? कौन सी लड़की? अब तक तुम लड़की की बात नहीं कर रहे थे क्या? मैं घर का ब्रोकर हूँ, लड़कियों का नहीं हूँ भाई। बेवकूफ कहीं का, फोन रख। सॉरी जी, रॉन्ग नंबर। श्रीनु, तूने घर के ब्रोकर का नंबर दिया है, लड़कियों के ब्रोकर का नहीं। करूं या नहीं? इस वक्त करूंगी तो क्या सोचेगा? कर लेती, नहीं पता नहीं क्या सोचेगा, लेकिन एक बार ट्राई करके देखती हूँ। God. वापस कॉल करेगा? इतनी रात को ये कॉल क्यों कर रही है? सॉरी, अपनी फ्रेंड सैंडी को कॉल कर रही थी तो तुम्हें गलती से लग गया। ओह अच्छा। डिड आई डिस्टर्ब यू? नो। ओके सिद्धू, और बता क्या चल रहा है? 9 बज रहे हैं ना, तो मैं और मेरे दोस्त मिलकर मजे कर रहे हैं। मतलब सीधा कहूँ तो हम लोग सड़क पे घूम रहे हैं। रात भर सड़कों पे घूमते रहते हो? तो क्या करूं, कोई गर्लफ्रेंड तो है नहीं। ओके, अब एक छोटा सा थ्रिल दूं? कैसा थ्रिल? अपने रूम में जाओगे तो अभी तुमने कौन सी ड्रेस पहनी है बता दूंगी। कैसे? इट्स पॉसिबल, जस्ट लिसन व्हाट आई एम सेइंग एंड डू इट। ओके ओके। आ गया। डोर लॉक करो। कर दिया। लाइट्स ऑफ करो।
कर दी। चलो जाकर अपने बेड पर बैठो। ए, क्या कह रही हो तुम? पहले जो मैं कह रही हूँ वो करो। तुमने अभी पहना है ब्लैक जीन्स और ब्लू शर्ट। नहीं, आधा सही आधा गलत। तो मैंने जो किया वो ठीक से नहीं किया। ओके बाय। ओके बाय। सिद्धू, ये मुझे क्या हो रहा है? रात भर तुम्हारे बारे में ही सोच रही। तुम्हें कुछ बताना है, आज मेरा बर्थडे। अच्छा, many more happy returns of the day. थैंक यू। आई लाइक यू। ऐसे नहीं, मेरे घर आके कहना होगा। सिद्धू। हाय। अभी तक कोई आया नहीं, शायद मैं पहले आ गया क्या? किसी को इनवाइट ही नहीं किया। अच्छा, क्यों? अपने करीबी लोगों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए। अच्छा, वो लकी फेलो कौन है? हैप्पी बर्थडे। हमारे पापा जमींदार हैं, लेकिन मुझे पढ़ाने के लिए मेरे माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं, समझी? एक फ्रेंड समझ कर तो ले ही सकते हो ना। प्लीज कीर्ति, मुझे छोड़ दो। तुम्हारे बड़े दिल को बड़ा थैंक्स। मैं अपनी लिमिट्स में रहूंगा। तुम्हें बदलना मेरी बस की बात नहीं है। उससे बात करता था तो वक्त का पता ही नहीं चलता था। ऐसा लगता था जैसे वक्त थम सा जाता था। बस दिल ये चाहता था कि हमेशा उससे ऐसे ही बात करता रहूं। सेंड ऑफ करता था तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी। अच्छा। ये ले। सच में? ओके। सीनू, फोन दोगे? कॉल करना है। ये लीजिए। मेरा फोन लीजिए ना। मेरा ले लीजिए आंटी। नहीं नहीं, मेरा फोन लीजिए। मेरा ले लीजिए। मेरा फोन लीजिए ना। तो कौन सा इस्तेमाल करूंगी? मेरा फोन फुल्ली चार्ज है, लीजिए ना। ये लीजिए, वेटलेस, पूरा कंफर्टेबल रहेगा। मेरा ले लीजिए, हाथों में एकदम समा जाएगा। चेक करके सिलेक्ट करूंगी। देखिए, ये फोन पुराना जरूर है, मगर बैटरी फुल्ली चार्ज है। जब तक दिल करे तब तक बात कर सकती है। लगता है बहुत इस्तेमाल किया है, बीच में ही कट जाएगा। इसे देखिए, सिग्नल नहीं आ रहा है। ऊपर करेंगी ना, अपने आप पहुंच जाएगा टावर। हाँ? हाँ। ये फोन ले लीजिए, इसमें अमाउंट एकदम फुल है। हाँ, तो यही दे दो। वजन ज्यादा है आंटी। हाँ। कैसे काम किया? अच्छा काम किया। हाँ, अगर आपने हमारा यूज किया होता वो भी अच्छा ही काम करता। हाँ, अगर यही रहोगे ना
तो जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर रही हूँ। घर का मोबाइल काम ही नहीं कर रहा, इसलिए तुम्हारा मोबाइल लेना पड़ा। रिपेयर करवा लीजिए ना। मेरे पति इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते। उसे फेंक दीजिए। पैसे देकर खरीदा है ना, मन नहीं करता। हमारा मन मान जाएगा एनी टाइम, जैसी मर्जी इस्तेमाल कर लीजिए। जरूर चलते हैं। बाय। मेरी श्रुति के बिना मुझे क्लासरूम एक सुनसान रेगिस्तान की तरह लगता था। जहाँ वो नहीं रहती थी तो मेरा एक पल भी वहाँ रहने का मन ही नहीं करता था। ये उसे देखता है, उसके बगल वाली मुझे देखती है, मैं किसे देखूँ यार। ये है मेरा फ्रेंड राकेश, आप तो जानते ही हैं। इसे जैसे ही वक्त मिलता था ये अपनी गैंग के साथ बस स्टॉप पे आ जाता था। अगर उससे पूछो तो कहता है कि हम दोनों प्यार करते हैं। इसका प्यार भी अजीब था, 2-3 साल से दोनों एक दूसरे को बस देख ही रहे हैं लेकिन एक भी बार इन्होंने बात नहीं की। शायद ऐसा सीन फिल्मों में ही होता होगा लेकिन यहाँ सच में हो रहा था। मैं क्या करता हूँ, हौले हौले हो जाएगा प्यार। एक्सक्यूज मी, ये आपने बुलाया? नहीं तो मुझे लगा कि आपने बुलाया। यू नॉटी। यस, पट गई पट गई पट गई। नाउ टेल मी व्हाट यू लाइक, आई लाइक व्हाट यू टेल मी, एंड इफ यू अब तक सो रहा है, कॉलेज का टाइम हो गया। नहीं यार, मैं नहीं आ रहा हूं, तुम लोग जाओ। उसके घर पे जाके देख के आता हूँ। सेम प्लेस सेम टाइम, लड़की आ रही है। एक्सक्यूज मी, यस, मेरा नाम है रोमियो रवि और आपका नाम? अखिला। अखिला, व्हाट अ स्वीट नेम। आपको पसंद आया? इसकी हंसी कितनी कातिल है यार। तुम तेरी प्यारी प्यारी देख हो गया निकम्मा, जाती है तो देते जाओ जाने मन बस एक चुम्मा। दिल ना चाहे दिल तुमसे, संडे हो चाहे मंडे हो जाने जाना। मैं तेरे प्यार में गाऊंगा गाना, बस देखे जा जाने जा एक चुम्मा।
ये बुलाया क्या? तो मेरा डायलॉग है। नहीं तो मेरे बीट को लगा कि बुलाया है। हेलो प्लीज साइड में जाओ। मेरी लवर से क्या बात कर रहा है तू? तेरे गले में कोई टैग लगा है कि तेरी लवर है वो? हा? कैसा टैग? देख भाई, शादीशुदा लड़कियों की शादी हो गई है जानने के लिए गले में मंगलसूत्र होता है। वैसे ही जिस लड़की का लवर हो उसका लवर है ये जानने के लिए गले में टैग मेंटेन करना पड़ता है। ऐसे मेंटेन करोगे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ज्यादा बकवास मत कर। ए घमंड, बातों में नहीं कामों में बताओ। कल ही अपने दोस्तों को मैदान में लेकर आऊंगा। तेरे दोस्त नहीं है, मेरे भी दोस्त है, मैं उनको लेकर आऊंगा। एक हफ्ते में उस लड़की को पटा कर तेरे ही आंखों के सामने घुमाऊंगा। कौन क्या करेगा उसका फैसला वैलेंटाइंस डे पे हो जाएगा। देख लेंगे। हां देख लेंगे, देख लेना रे, देख लेंगे। मेरे साथ ही रहो ना तुम। अब बहुत अच्छा लगता है। किस करते यार, प्लीज प्लीज समझो ना, प्लीज प्लीज। अरे मैं नहीं जा रहा, मेरी बात समझो ना, प्लीज प्लीज श्रुति, प्लीज जाओ, बाय 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 बाय। ओह गॉड, सिद्धू सिद्धू सरप्राइज, आओ आओ अंदर आओ ना, कम कम। एक्चुअली 4 दिन की छुट्टी लेकर गांव जाने वाली थी। डैडी ने नए कोर्स में ज्वाइन करवाया है तो अभी डेमो क्लास अटेम्प्ट करने आई हूँ। ये है तुम्हारा डेमो क्लास? क्या हुआ सिद्धू, गुस्सा हो? अच्छा, हमारी फर्स्ट किस याद है? फर्स्ट किस जैसी सेकंड किस दूं क्या? क्या नाटक कर रही हो तुम? भगवान ने लड़कियों को नाटक करने का वरदान दिया या फिर लड़कों को श्राप दिया है? हे, क्या हुआ, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? समझ में नहीं आने वाला है, मैं तुम्हारे पीछे पागलों की तरह घूम रहा हूँ लेकिन तुम हो कि यहाँ पे, क्या बताऊँ मैं तुम्हें, तुमसे तो मुझे घिन आती है। हे, क्या बकवास कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गया, इसीलिए तुम्हारे पीछे सड़कों पे मैं घूमता फिर रहा हूँ। सीधे सीधे बताओ हुआ क्या है, ऐसे घुमा फिरा के बात करना मुझे पसंद नहीं है। क्या बताऊँ मैं, आज जो कुछ भी मैंने अपने आंखों से देखा उसे देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारा गला दबा दूं। आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अच्छा,
मेरे दोस्त के साथ मुझे अकेला क्या देख लिया? मुझ पे शक कर रहे हो? इतना शक सहने से अच्छा है मैं अभी अपना हाथ काट लूंगी, तभी तुम्हें भरोसा होगा मुझ पे। तुम हाथ मत काटो, मैं ही तुम्हारा गला काट देता हूँ। अच्छा, तुम्हें बात समझ आ गई। जब हमारे रिश्ते की सच्चाई पता है तो सीरियस क्यों हो रहे हो? मैं आखिर तुमसे प्यार ही क्यों करता हूँ? तुम मुझसे प्यार करते हो? मैंने कभी तुम्हें आई लव यू कहा है? क्या तुमने मुझे कभी आई लव यू कहा है? नहीं ना? मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या कि तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारूंगी? चलो जाओ यहाँ से। माँ। बेटा शिवा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे पिताजी ठीक नहीं है बेटा। मैं जल्दी अच्छी नौकरी देखकर आ जाऊंगा माँ। अच्छा ठीक है बेटा। हाँ माँ। तबियत का ध्यान रखना, खूब पढ़ाई करना। क्या हुआ बताना यार। जब चीजें टूटती है तो आवाज आ जाती है, लेकिन जब दिल टूटता है तो खामोशी होती है। तू चुप है फिर भी तेरा दुख तेरी आंखों में साफ नजर आ रहा है। बांटने से अपना दुख कम होता है यार। अगर तू मुझे अपना दोस्त मानता है तो प्लीज मुझे बता दे यार। वो लड़की, देख तू ये सब छोड़ दे और अपने करियर पे ध्यान दे, समझा? शिवा, 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 रुको शिवा। मैं इंटरमीडिएट से देख रही हूँ तुम्हें और ये बात तुम भी जानते हो, फिर भी तुम अपने मन की ये बात बोलते क्यों नहीं हो? चुप क्यों हो तुम? देखो ऐसे तुमसे बुलवाने के लिए, इसका मतलब इतने दिन से ये बात पता थी लेकिन तुम नाटक कर रहे थे मुझे ना देखने का। देखो ऐसा नहीं है, कई सपनों के साथ माता पिता ने मुझे पढ़ने के लिए भेजा है, उनके भरोसे को प्यार दूर ना कर दे इसलिए। मैंने भी इस बारे में सोचकर ही अब तक इंतजार किया था, अभी भी नहीं कहा तो तुम्हें खो ना दूं इसलिए कह रही हूं। कॉलेज कैंपस इंटरव्यू में जॉब मिलने के बाद मैं तुम्हें खुद बताना चाहता था, लेकिन सुनो ये बात घर पर मत बताना, जॉब मिलने के बाद मैं खुद आकर बोलूंगा। वाओ, अभी तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ। वाओ। हे ब्रो, क्या हुआ? तू इतना उदास क्यों है आज? कुछ नहीं यार, मुझे अकेला छोड़ दे। ए, तेरे मूड को कैसे ठीक करना है मुझे सब पता है। ए, जरा साड़ी पहनकर तू आ तो। मेरी चंद्रमुखी, आजा। किसी डिस्को में जाए, जाए किसी होटल में खाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए सनम, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो चलो इश्क लड़ाए सनम। बात करे, पसंद नहीं आया क्या? ओके, चेंज द सॉन्ग। हे खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। ओ खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल, दिल 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 दिल। हे लुंगी डांस, 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 लुंगी। रुक जाओ,
क्यों? स्कूल के बच्चों के लिए वंदे मातरम, जाने जाना माना मिलिट्री के लोगों के लिए, भारत जहां से अच्छा किसके लिए? पता नहीं, मुझे भी पता नहीं। ठीक है, ये बात साइड में रखते हैं। हमारे गुरुजी ने बहुत रिसर्च करके मेहनत करके हम शराबियों के लिए ये गाना लिखा। वो गाना हम शराबियों ने गाया, माधुरी दीक्षित खुश हुई। तुम उसे बिगाड़ोगे क्या? हाँ? तो फिर हम भी पियेंगे। क्यों रे? क्यों भाई? अबे छोटे, जुब जुब जुब। बैट पकड़ने वाला हर इंसान सचिन तेंदुलकर नहीं होता, दारू पीने वाला हर इंसान रमेश नहीं होता। दारू पीना कितनी मेहनत का काम है पता है? तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। हाँ वैसे भी भाई, तुम सीनियर्स हम जूनियर्स को कुचल ही रहे हो। एक पैक मारने पर सीनियर्स जूनियर्स डॉक्टर्स आईएएस ऑफिसर्स इंजीनियर्स एक्टर्स डायरेक्टर्स कुछ काम नहीं करते यहाँ। कोई भी दारू पीने के बाद सीनियर सिटीजन होता है, समझ गए ना? तो फिर आ जाओ भाई, साथ में स्टेप करते हैं। दारू पी ले बेटा तो मजा आएगा। हे उन्हें देखो यार। दारू पी ले बेटा तो मजा आएगा। Stop it! ये कौन था? ये किसने लुंगी पहन ली? Song change, लुंगी डांस। अरे दारू खत्म, अब कल होगा, बाय। आओ सिट, मुझे पता था तुम आओगे, बैठो। तुम्हें कैसे पता कि मैं आऊंगा? उस दिन तुम्हारी स्पीड देखकर समझ गया था कभी न कभी तुम मेरे पास आओगे। कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सबको पता है। अभी क्या खोना क्या पाना है? सही सवाल है। ये अंदर जाएगी, तुम्हारे दुख का कारण बाहर आएगा। मैं पीता नहीं हूँ। देखो सिट, पहले हर कोई यही कहता है, एक बार आदत पड़ गई तो वाह, सब कुछ मैं ही बताऊंगा, तुम्हें नहीं पता। जिंदगी का एक राज बताता हूँ, अगर सबको सेहतमंद रहना है तो सिर्फ एक सूत्र है, मॉर्निंग में 2x, इवनिंग में 2 pack, नाइट बिटवीन 2 legs, पकड़ो पकड़ो। चलो पियो, बताता हूँ, पीने वाला बकता है, तुम भी पियो, लेकिन राजनीतिक नेता की तरह देशद्रोह नहीं करता, बकता है। तुम्हारा दुख बताओ बताओ। यही मेरी प्रॉब्लम है यार, बता मैं क्या करूँ। देखो छोटे, लड़की चिल्लाती भी है, पूजा भी करती है। चिल्लाए तो प्रॉब्लम नहीं है, पूजा करती है तो प्रॉब्लम है। चुम्मा देती है तो धोखा देती है, चुम्मा दे तो प्रॉब्लम नहीं है, धोखा दे तो प्रॉब्लम है। धोखा करना तुम्हारी गलती, यस तुम्हारी गलती है। बिल्कुल करेक्ट, इस उम्र में नहीं करोगे तो कब करोगे? वो नहीं तो उसकी माँ सॉरी बहन भी चलेगी। पैसा हो तो कोई भी आएगी। यो, बस पैसा हो तो कोई भी मान जाएगी। पैसा हो तो कोई भी मानती है।
कौन है यार फोटो में? यहाँ वहां मत देख, जो बुक के अंदर मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कैसी फोटो यार, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देख सब कुछ दिख लिया है यार, अब तू छुपाने की कोशिश मत कर, मुझे साफ साफ बता दे कि किसकी फोटो है। दिखा। ऐसा अरे कुछ दिखा नहीं यार। हे, ये लड़की देखने में तो यार बहुत ही सुंदर और सुशील लग रही है कौन? मेरी कजिन है यार। रिलेटिव है? मेरी बुआ की लड़की। तो फिर इस तरह बुक में छुपा कर रखने की क्या जरूरत है यार? पसंद नहीं, मेरी जान है यार, बचपन में ही मेरी बुआ की मौत हो गई थी। इस बीच ही मेरे फूफा जी की भी मौत हो गई। उसके बाद हमारे घर में ही मेरे माँ बाप के साथ वो भी रह रही है। मैं जो यहाँ कर पढ़ रहा हूँ इसका कारण वही तो है। इतनी जल्दी आ गए शिवा? हाँ संध्या, तुम्हें देखने का मन कर रहा था इसलिए मैं चला आया, मुझसे बिल्कुल रहा नहीं गया। ये क्या कर रहे हो शिवा? इंग्लिश किस कर रहा हूँ। इंग्लिश किस मतलब? मेरे होठों से तुम्हारे होठ मिल जाए उसे इंग्लिश किस कहते हैं। शादी से पहले ये सब करना ठीक नहीं। वैसे तो हम दोनों शादी करने वाले ही है ना। वो बात तो ठीक है शिवा, लेकिन देखो अब मैं रुक नहीं सकता संध्या, बहुत टाइम हो गया, मैं इसी दिन का वेट कर रहा था संध्या। माँ? बोल शिवा। मुझे कॉलेज में फ्री सीट मिली है माँ, लेकिन वहाँ खाने और रहने का खर्चा हमें ही करना पड़ेगा ऐसा वो बोल रहे हैं माँ। अगर उसके लिए आप कुछ पैसे दे दे तो उस कॉलेज में मैं ज्वाइन हो जाऊँगा। बेटा हम कितना दुख झेल रहे हैं, हम कितने कष्ट सह रहे हैं, ये जानकर भी ये बात कह रहा है। वो बहुत ही बड़ा कॉलेज है माँ, वहाँ सभी को सीट नहीं मिलती, ऐसे में मुझे वहाँ सीट मिली है। महीने में हम थोड़ा बहुत दे दे तो काफी होगा, बाकी सब वो खुद देख लेंगे माँ, ऐसा उन्होंने बोला है। तेरे पिताजी बिस्तर पर लेटे हुए हैं, हमारे घर में फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं अकेली काम करके घर चला रही हूँ, ऐसे में तुझे हर महीने हजारों भेजने के लिए मैं और कहाँ कहाँ की ठोकरें खाऊंगी। बेटा हमारी हालत तू देख रहा है ना शिवा। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है माँ। बेटा शिवा मुझे भी तुझे पढ़ाना है, लेकिन हमारे घर के हालात बहुत खराब हैं। घर खर्चा, तुम्हारे पिताजी की दवाइयाँ, खर्चा बहुत है बेटा, ऐसे में तेरी पढ़ाई के खर्चे के लिए पैसे कहाँ से लाऊं। ऐसा मत कहो माँ। मेरी बात समझ ले बेटा, अपनी पढ़ाई तू यहीं पर कर ले, मैं और कुछ नहीं कहूंगी, बस। आप माँ को समझाइए ना पिताजी। घर की जिम्मेदारी मर्दों की है बेटा, औरत कितना करेगी, तू ही कुछ कर बेटा, तू ही कुछ कर। धरती सूरज के गोल घूमती है ये सच है, लेकिन दुनिया पैसों के गोल घूमती है ये उससे बड़ा सच है। अभी भी गरीब को शिक्षा के लिए तरसना पड़ रहा है, इसका कारण सिर्फ पैसा है। शिवा उदास लग रहे हो? कुछ नहीं। मुझे नहीं बताओगे? अरे बताओ ना। कहा ना मैंने कुछ नहीं। क्यों मुझे नहीं बता सकते? कॉलेज में फ्री सीट मिली है और पढ़ने के लिए बहुत पैसा चाहिए, माँ के पास कुछ भी नहीं। चलो मैं अपनी बुआ से बात करती हूँ, आओ। ये क्या बुआ, शिवा कॉलेज में पढ़ना चाहता है और आपने मना कर दिया? और क्या करूं बेटी, तुम्हारे फूफा की दवाइयों के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है, अब इसकी पढ़ाई के लिए कहां से लाऊंगी पैसे। एडमिशन नहीं किया तो इसकी फ्री सीट चली जाएगी, फ्यूचर खराब हो जाएगा, इसकी पूरी जिंदगी यूं ही बर्बाद हो जाएगी, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं, अब मिला है तो छोड़ना सही नहीं होगा। वैसे भी शिवा को पढ़ाई करना बहुत पसंद है, पढ़ने दीजिए, आप नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा बुआ जी। हजारों रुपए मैं कहाँ से लेकर आऊंगी बेटी, वैसे भी इस घर में मैं अकेली कमा रही हूँ, तू देख रही है ना बेटी, गिरवी रखने के लिए जायदाद दौलत कुछ भी नहीं है, पागल की तरह बातें मत कर बेटी। मैं ला कर दूंगी बुआ जी।
रो देगी? इतने पैसे कहाँ से लाएगी बेटी? अपनी शादी के लिए जो गहने बनवाए थे उन्हें बेच दूंगी। वो तुम्हारी शादी के लिए खरीदे हैं, उन्हें बेचेगी? तू सच में पागल हो गई है क्या? जिंदगी में कहीं काम आने वाले गहने अभी शिवा के काम आ रहे हैं तो मुझे ही खुशी मिलेगी ना बुआ जी। देखिए बुआ, फिर शिवा पढ़ेगा तो हमारा भविष्य अच्छा रहेगा, और फिर शिवा को जब पढ़ाई करके अच्छी नौकरी मिलेगी तो मैं बहुत सारे गहने बनवा लूंगी। आप इतना मत सोचिए, शिवा को खुशी खुशी भेजिए। क्या हुआ शिवा, आप तो खुश हो ना तुम? तुमने मुझे बहुत अच्छी तरह समझाया है संध्या, और ये बात माँ भी समझ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या। हम दोनों के बीच में थैंक्स कैसा शिवा। जाओ जाकर तैयारी करो। मेरी बच्ची। मैं चलता हूँ माँ। ठीक है शिवा, फोन करते रहना। बिल्कुल माँ। अपनी सेहत का ध्यान रखना। फिकर मत करो माँ। संध्या, मैं चलता हूँ। ठीक है शिवा, चल। मैं जा रहा हूँ पिताजी, चलता हूँ माँ। अपना ध्यान रखना बेटा, जा। इसका मतलब कीर्ति ने भी तुझे प्रपोज किया था ना, और तूने उसे हाँ कह दिया था, है ना? ऐसा कुछ नहीं यार, आजकल लड़कियां बहुत सेंसिटिव हो चुकी है। नो कहने पर पता नहीं खुद को क्या नुकसान पहुंचा लेती। अगर हाँ कहूँ तो पढ़ती नहीं और हमें भी पढ़ने नहीं देती, इसलिए ठीक से उसे कुछ भी नहीं बताया मैंने। ओके यार, किसी दिन अच्छा वक्त देख कर कीर्ति को संध्या के बारे में सब कुछ बता दूंगा। ओके यार, सही कह रहा है तू। शिनू, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अरे फोन आया था, उसने अर्जेंटली बुलाया फोन करके। और कहा जल्दी आ जाओ। क्या हुआ? पता नहीं, चलो चल कर देखते हैं। अरे तू कहाँ जा रहा है? चल यार, तू साथ में चल, अंदर चल कर देखते हैं। अरे रवि, अर्जेंटली क्यों बुलाया यार, क्या हुआ? मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ यार। तुम लड़की यार, लड़की पागल हो गई होगी। मोबाइल लैपटॉप सब गिरवी रखवा देते हैं। लास्ट टाइम वैलेंटाइंस डे पर 25,000 खर्च हो गए, अभी दाम बढ़ गए हैं, दाव ज्यादा लगाते हैं, मतलब पूरे 35,000। पूरे मैं ही दूंगा। अरे यार, तेरा इन्फ्लुएंस डाल के मेरे लिए 25 एटीएम कार्ड लेके आ। क्या एटीएम कार्ड किस लिए? पैसे निकालने के लिए बेवकूफ। जाकर अखिला से बात कर लो, मेरे बारे में उसे बताओ। तुझसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ही तुझे अखिला दूंगा। अरे कितने दिन से ऐसे देखता रहेगा तू, जाके आई लव यू बोल देना। क्या है तेरा गूंगा प्यार, मुझसे देखा नहीं जाता। ना वो हिम्मत दिखाता है, ना तू हिम्मत दिखाती है। इसे देखो, तुम्हारे साथ ही शुरू किया था, अब तक 4 को खा चुकी है, और तू ना। उसके लिए कई दिन तो क्या, कई जन्मों तक मैं वेट कर सकती हूँ। hey, यार जाके उसे आई लव यू बोल दे। तेरी जगह अगर मैं होता तो कब का ए टू जेड हो चुका होता। ये बात कार्तिक को पता चली तो बस स्टॉप मूवी तेरे साथ ही करता। hey, तुझे भाई बुला रहे हैं।
सुन, तेरे क्रेडिट की लिमिट क्रॉस हो चुकी है। अब लोग पूछ रहे हैं तो तू इनको इग्नोर कर रहा है। तेरे पास पैसा नहीं है तो साफ साफ बोल, कुछ अल्टरनेटिव सोच लेंगे। जरूरत सब कुछ सिखा देती है। ए, इसे लेकर जाओ और हमारे काम पर लगाओ। चल अखिला, तुम मुझसे प्यार करोगी तो मैं डीडीएलजी के शाहरुख खान की तरह तुम्हें प्यार करूंगा, और शादी के बाद तुम्हें सूर्यवंशम के अमिताभ की तरह अपने घर में रखूंगा। इतना ही नहीं, तुम्हारे साथ रोमांटिक गाना भी गाऊंगा और कैंडल लाइट डिनर पर भी ले जाऊंगा। मना करोगी तो देवदास की शाहरुख खान की तरह मर जाऊंगा। मरने के बाद भी तुम्हें प्यार के अलावा कभी कह सकता है। हे सुधीर, हाय यार, कब आया तू? अभी आया। ये मेरी फ्रेंड अखिला। अखिला, ये सुधीर। क्या शकीला? शकीला नहीं, अखिला यार। अरे यार, कुछ करना, ये मुझसे सेट नहीं हो रही है। तू चिंता मत कर यार, मैं सेट कर दूंगा। आज सेट कर दूंगा तेरे लिए यार। ओके ठीक है। सुन, तू अभी जाकर के दो आइसक्रीम ले। इतने में मैं पूरा मैटर सेट कर दूंगा, ठीक है ना? समझे? चल अखिला, मैं अभी आता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। अगर ये है जैसे मैंने कहा, अगर वैसे तुम करोगी तो सब खुश रह सकते हैं मस्ती से। एक्चुअली बात ये है कि मैटर प्यार का है, और प्यार तो चलता ही रहता है, लेकिन दिल से होना चाहिए। समझ रही हो ना तुम मेरी बात? ये तो मेरी लवर को खुद सेट कर रहा है। ए सुधीर, अरे यार तू आइसक्रीम लाने को तूने बोला था ना? एक बार यहाँ यार देख, मैंने मैटर पूरा सेट कर दिया, तू बेफिक्र होकर के परफॉर्म कर। ओके ठीक है ना भाई? ओके सुन सुन, जैसे मैंने कहा था, हाँ मेरी बात, चल चल, बाय बाय बाय। वो छोड़ो, ये खाओ, फेंको उसे। ए, क्या कर रहा तू? नहीं दे रहा है। अकेला, ये मेरा फ्रेंड है। हाय। ये भी ऐसा कर रहा है? कौन है ये? ये कौन है यार? क्या हुआ, उदास क्यों है? मैंने सुधीर से बोला मेरे लिए सेट कर, उसने खुद के लिए सेटिंग चालू कर दी यार। अच्छा? तुझे कुछ करना पड़ेगा। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं सब सेट कर दूंगा। ए, तो मुझे साइड करके उसे क्यों घूर रहा है? सेट करना है तो देखना पड़ेगा ना। उसने भी ऐसे ही किया था। वो कौन? सुधीर। मैं कौन हूँ? सीनू। दोनों में फर्क है ना? हाँ है। जा कुछ लेकर आ। क्या लेकर आऊँ? कोल्ड ड्रिंक लेके आ। जा जा ना। अकेला, तुम अपना ख्याल रखना, मैं आता हूँ। जा जा चल, कहीं ये कुछ गड़बड़ ना कर। एक मिनट, दिखाओ, ये क्या है? पता नहीं कब सेट होगी। इसने भी धोखा दिया। ए सीनू, क्या कर रहा है तू? रवि, तू आ गया? आ, 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 सब कुछ सेट कर दिया है, अब मजे कर ले। ओके, मेरा टाइम हो गया, मैं चलता हूँ, बाय। सीनू, कोल्ड ड्रिंक। बाय। तू खुश है ना? मजे कर ले। उसने कहा एंजॉय कर, इसने कहा कि मजे ले। किसका भरोसा करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, मेरे जाने का टाइम हो गया है। मुझसे कह रही हो कि टाइम हो रहा है, और उसके साथ टाइम पास कर रही थी। बाय डार्लिंग। ये मेरी लवर है और कहानी सुधीर की। इसको क्या हुआ? इसका पेन नहीं हिला है? कहीं चीटिंग करने के चक्कर में तो नहीं है? हाँ सर, आपने बुलाया। क्यों सिद्धू, सुना है आजकल लड़कियों के साथ बहुत घूम रहे हो? आपने देखा क्या सर, आजकल
किस पे भरोसा करना है और किस पे नहीं करना है ये जानना बहुत मुश्किल है सर। तुम किसके बारे में बोल रहे हो? जनरल टॉपिक सर। तुम्हारे टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाया है। बात कीजिए सर। तुम कभी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचोगे? क्यों नहीं सोचूंगा सर, लेकिन सारी बातें आपको तो बता नहीं सकता ना सर। यू सी, कॉलेज में जब नए आए थे और अभी तुम में बहुत चेंजेस आए हैं। हाँ, मैं तो सब चीज में आगे हूँ। अभी जानकर एजुकेशन पर कॉन्सेंट्रेट करोगे इस भरोसे से, नाउ यू कैन गो। हे कांग्रेट्स। थैंक यू, बधाई हो यार। हे कांग्रेट्स, तुम्हें जॉब मिलने की खुशी में छोटी पार्टी दे रही हूँ। अगले 4 महीने तुम नहीं मिलोगे। तुम हमेशा यही करते हो, बस सोचते ही रहते हो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए आ जाऊंगा। वाओ। हेलो माँ, कॉलेज कैंपस इंटरव्यू में जॉब मिली है माँ, अब हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। ओके माँ, बाय। हे ब्रो, तू ये सब क्या कर रहा है यार? क्या देख रहे हो? मुझमें क्या दिख रहा है तुमको? मैं तुम्हें वीआईपी की तरह दिख रहा हूँ क्या? देखो यार। अरे ए, रुक रुक, क्या कर रहा है तू? देख यार, तू टेंशन मत ले, छोड़। हम लोग है ना, सब संभाल लेंगे। आखिर बात क्या है हमें बता, मैटर क्या है यार, बोलना। श्रुति यार, श्रुति, श्रुति को भूलने के लिए ये सब कर रहा हूं मैं। मैंने उसे देवी की तरह चाहा, लेकिन वो डायन की तरह छोड़ के चली गई। जब मैं अपनी डायरी देखता हूं तो मुझे अक्षर नजर नहीं आते, बस उसकी हंसी नजर आती है यार। वो फाड़ दे यार, तेरे मन से अपनी डायरी से श्रुति का पेज तू फाड़ दे। हम तेरे सच्चे दोस्त है, ये याद रख। तू हमारे साथ ही चलेगा। उठ। चल यार, उठ। उठ जाओ। उठ। ये कहाँ रह गया? वक्त हो रहा है।
इतनी देर क्यों लगा दिया? मुहूर्त का वक्त हो रहा है, तुझे पता नहीं? जल्दी अग्रो पर साइन कर दे। मैं नहीं करूंगा। ए, जानता है शादी के लिए कितना रिस्क लिया है? रिस्क लिया या फिर रिसीव किया? क्या हुआ? हाँ यार, ये रिसीव्ड कॉल है, ये डायल्ड कॉल है, तुम मिस कॉल है, और मैं रिजेक्टेड कॉल हूँ यार। बात की तो कॉल काट दूंगा, अंदर चल। ए, तू पागल हो गया क्या? हो गया हूं, इसके प्यार में मैं पागल हो गया हूं। ए, शादी नहीं करनी थी तो पहले बोल देते, अब लड़की बुरा मान जाएगी। मुश्किल से लड़की को मंडप से भगा कर लाया हूं यार, अभी तू मना करेगा तो मुझे और इस लड़की को कितना बुरा लगेगा। मेरी फीलिंग कुछ नहीं। तेरी फीलिंग मैं समझता हूँ, अंदर चल चल यार, अपनी फीलिंग बाद में बता लेना। मेरी फीलिंग की इन लोगों ने मिलकर वाट लगा दी। चुपचाप अंदर चल चल, हम बैठ जा, चल अंदर चल चल। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते, मैंने बताया था ना सर, वही है। सिग्नेचर कर दो। रुक यार, रुक ना रुक। हे भगवान, आजा साइन कर, चल आजा। नहीं करूंगा, अरे करना, चल साइन कर बे। जबरदस्ती करवा रहे हो मुझसे। चुपचाप साइन कर। मार के मुझसे साइन भी करवा लिया। बहुत रो लिया, माला पहना दे। माला पहनाने को कह रहा है? क्या कर रहा है? चल। माला मैं क्यों पहनाऊं? ये मैटर नहीं जानता ना, अकेला के घर वाले चुपके से इसकी शादी करवाना चाहते थे, ये बात बताने के लिए तुझे कॉल किया, तो तेरा फोन स्विच ऑफ था इसलिए मुझे किया। मैं जाकर अकेला को लेकर आया, वक्त नहीं था तो श्रीनु को तेरे पास भेजा था। ऐसा क्या? तुम लोग तो अच्छे दोस्त हो। हाँ या नहीं, वहाँ जाके कर। अभी नहीं, माला पहनाने के बाद समझा ना, माला पहना दो। चलो मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा। चलो एक दूसरे को माला पहनाओ। सॉरी बेबी, हैप्पी मैरिड लाइफ यार। Happy married life. Thank you. हो गया, चल बाहर जा। क्या यार? ये मेरी लास्ट डील है, इसके बाद मैं कभी ड्रग सप्लाई नहीं करूंगा। आज कैसे भी करके स्वाति को मुझे प्रपोज करना ही है, नहीं तो जिंदगी भर मैं पछताता रहूंगा और वो मुझे कभी नहीं मिल पाएगी। हेलो माँ, मैं कल घर आ रहा हूँ माँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान से आना हाँ बेटा। संध्या को बोल। जी माँ। संध्या, संध्या जल्दी आओ बेटी, शिवा ने फोन किया है। शिवा का फोन है बेटी। हेलो शिवा। पागल कहीं की, शिवा जान है इसकी। कैसे हो शिवा? मैं ठीक हूँ संध्या, तुम कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ शिवा, तुम कब आ रहे हो? अरे मैं कल ही आ रहा हूँ। ठीक है चलो, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। ठीक है संध्या। बाय शिवा। बाय संध्या।
गुस्सा समझ आ गया, लेकिन तुम अपने गुस्से को पॉजिटिव एनर्जी में बदलो। बुक्स ले लो, पढ़ना शुरू करो। हमारी खुशी के लिए तुम भी खुश रहोगे। हम सबको खुश करो, जो भी कुछ हो। लाइफ हैज गो टू ऑन, रिमेंबर दैट, लाइफ हैज टू गो ऑन। टेक रेस्ट। ब्रेकिंग न्यूज, दिलखुश नगर में बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे आतंकवादियों का हाथ है, ये पता चल गया है। खबर मिली है इंडियन मुजाहिदीन संस्था से। दाहिश के नेतृत्व में फारिद इरफान इस घटना के पीछे हैं और उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया है। दिलखुश नगर की इस घटना के पीछे मुख्य पात्र फारिद इरफान ही थे और ये बात बिल्कुल कन्फर्म हो चुकी है। पुलिस उन्हें ढूंढने की लगातार कोशिश कर रही है और पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई है। आइए आपको लेकर चलते हैं हम घटना स्थल पर, जहां पर अभी भी बहुत सारे घायलों को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। ये क्या हो गया? मुझे कुछ करना है। किताबें पकड़ करके मैं बैठ नहीं सकता हूं। मुझे कुछ करना ही होगा। मैं अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे नशे की दुनिया से बाहर लाने वाले मेरे दोस्त ही थे। मुझे उनके लिए और अपने देश के लिए कुछ करना ही होगा। यस, करूंगा। मुझे अपना लक्ष्य क्लियर नजर आ रहा है। हमें जिस वक्त का इंतजार था आ गया। हम सब मिल करके एक असाइनमेंट करने वाले हैं। किसी भी हाल में अगर हमें एपी पुलिस ने पकड़ लिया, हमें फॉलो करने का चांस नहीं है। इसलिए हमें पकड़ने से पहले ही अपनी बॉडी में ट्रैकिंग चिप फिक्स कर ली है और ये चिप मॉनिटर करेगी कि हमें वो कहां लेके जा रहे हैं। 2 किलो बारूद मंगवाया है, आज जो तुम्हें मिल जाएगा वो बहुत जल्द आता ही होगा। और उस बारूद से C-400X प्लास्टिक एक्सप्लोसिव तैयार करके इसको दे दो। उन्हें हमें पकड़ने के बाद कहां रखा है ये मॉनिटर द्वारा जानकर वहां C-4 बॉम्ब लेकर जाना। मुझे लगता है कि वो जरूर हमें कहीं सुनसान जगह पर लेकर के जाएंगे। सो तुम वहां बॉम्ब रख करके चले जाना। ठीक है। वो लोग हमें जिंदा पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम उन लोगों को चांस नहीं देंगे। हम वही हैं, ये जानने के 5 मिनट बाद ही बॉम्ब फट जाना चाहिए। हमारे साथ हमें पकड़ने वाले सारे पुलिस वाले भी मरने चाहिए। किसी भी टेररिस्ट को जिंदा पकड़ने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। It's like a human bomb. Boom. जानते हो हैदराबाद में अमित सिद्धू जानता है? तुम्हारी वजह से। कहा था उसे मार दो, क्या किया? भाग गया वो। मुझे लगता है टीवी पर हमारी तस्वीरें देखकर उसने ढूंढना शुरू कर दिया होगा। अब तुम क्या करोगे? कैसे बुलाओगे? फोन करके बुलाओ। देखो, तुम जिस लड़की से प्यार करते हो वो है श्रुति। तुम्हारी श्रुति और तुम्हारे कॉलेज के प्रिंसिपल शंकर नारायण दोनों ही मेरे कब्जे में हैं। अब ये बताओ, तुम उन्हें बचाना चाहते हो या नहीं? मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम एक अच्छे इंसान भी हो और तुम्हारा दिल भी बहुत अच्छा है। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये मत सोचना कि मैं डर गया। तूने मेरे पास काम किया है, इसीलिए मैं तुझे एक ऑफर दे रहा हूँ।
मेरे पास आजा, अपनी लवर से बात कर लेना, उसकी आवाज सुन लेना। एड्रेस तुझे भेजता हूँ, इसी नंबर पे तुझे एक SMS मिल जाएगा। Don't do anything to anyone. I will come there. सिद्धू, मेरी बात माननी होगी, नहीं तो फोन ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। तुम्हारे पास एक आदमी आ रहा है। भाई, मैं बोल रहा हूँ भाई, वो ब्लैक शर्ट में है भाई। ओके भाई, तुम उसके साथ कोऑपरेट करो। ओके भाई। भाई, काम हो गया है भाई। ओके, फोन उसे दे दो। ठीक है भाई। हेलो, तुम्हारे पास एक साइकिल खड़ी हुई है। है। उस पर क्या है? ब्लैक कलर का बैग। एग्जैक्टली। तुम वो साइकिल लेकर KBR पार्क में आ जाओ। टाइम स्टार्ट 3, 2, 1। KBR पार्क। सिद्धू, यू आर रियल हीरो। तुम्हारे सामने कौन सी व्हीकल है? होंडा एक्टिवा। उसका नंबर? टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन। यस, उसे लेके शिल्पा रामा आ जाओ। फास्ट, 5 मिनट ओनली। ओके। ऑन राइट टाइम सिद्धू, 1 मिनट भी लेट होते ना तो अपना टारगेट फेल हो जाता। ऐसे चलते हुए आगे आ जाओ, मेरे फर्दर इंस्ट्रक्शन देने तक का वेट करो। सामने एक लड़की है, देखो कैसी है। कैसी है? अच्छी है। मेरा मतलब है, कौन सी ड्रेस पहनी है उसने? ब्लू स्कर्ट, स्लीवलेस टॉप। फोन उस स्लीवलेस को दे दो। हेलो, ओके ओके। सिद्धू, तुम बहुत हैंडसम हो। क्यों सिद्धू, उसने अटेम्प्ट किया? वो ऐसी है। अब वो कार लेके सीधा इन ऑर्बिट आ जाओ। तुम्हारे पास 1 मिनट का वक्त है।
हाँ हेलो गुड सिद्धू गुड, अरे एक आदमी है उसे तुम फॉलो करो। हाय सिद्धू, अब तक तुम्हें नेविगेट मैंने ही किया था। मेरा नाम इरफान है, मुझे इंटरनेशनली टेररिस्ट कहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट उग्रवादी कहती है और तुम्हारी एपी गवर्नमेंट खतरनाक आतंकवादी कहती है। चाहे कोई भी किसी नाम से बुलाए सुन लेते हैं, हमें हिंदी अच्छे से आती है। 5 साल से इसी ने हमें हिंदी सिखाई है, इसलिए हमारे हाथों से ही मर गया। जानते हो इसको मैंने आखिर क्यों मारा है? अगर तू जान लेगा तो तुझे शॉक लगेगा। बताऊं? 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 तुम्हें नहीं मारा इसलिए, जानते हो तुमने कौन सा पाप किया है? मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ लोगों को देखना भी पाप होता है, और वो हम ही हैं। अब तूने हमें देखा है तो यही तुम्हारा पाप है। तुझे एक बात बताऊं जिसके बारे में तू सोच भी नहीं सकता, तू हम सबको पकड़ने के लिए आया था ना, ये तेरे बस की बात नहीं है। तू चाहे कुछ भी कर ले, हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। तुम्हें एक ट्विस्ट दूं जो तुम सोच भी नहीं सकते, तुम भी अनजाने में टेररिस्ट बन गए। कैसे बन गए मैं तुम्हें दिखाऊं क्या? सबको पकड़ना तुम्हारी गवर्नमेंट के बस की बात नहीं, फिर भी हम इतना रिस्क नहीं लेते। हम खुद पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, सोचेंगे कि हमने ही रखा है, ये उनकी सोच होगी, तब तुम्हें रिवील करेंगे। वो पुलिस तुम्हें पकड़ने के लिए ढूंढना शुरू कर देगी, कॉन्सेंट्रेशन तुम पर होगा। इतने में हम देश छोड़कर चले जाएंगे, तुमने जो बम रखे हैं उनके साथ तुम भी हवा में मिल जाओगे। डर लग रहा है ना? मारने का मन कर रहा है ना? एक और ट्विस्ट दूं जिससे तुम जीना चाहोगे? ये तुम्हारे खिलाफ हमारा पहला वेपन, तुमसे प्यार करके ट्रैप करने को भेजा था, वो तुमसे सच्चा प्यार करने लगी, इससे तुम्हें नफरत हो जाए ये भी हमने प्लान किया है। लेकर आओ। बताता हूँ सुनो, हमारी बात नहीं मानी इसलिए हमने इसे मार दिया। इसने तेरे लिए जान दी है, प्यार में क्या रखा है? लव इज ब्लाइंड, ये सोचने वाले तुम जैसे ब्लडी फूल्स को प्यार के बारे में क्या पता होगा? प्यार कभी मरता नहीं है। और जिसका प्यार अमर होता है उसे कभी डर नहीं लगता। और तुम जैसे बेवकूफों से तो कभी नहीं। क्या कहा था? इंडियंस सेंटिमेंटल फूल्स हैं। शायद तुझे उस सेंटिमेंट के पीछे का राज नहीं पता है। प्यार प्यार है। तुझे किस बात का इतना घमंड है? सच्चे प्यार में एक एनर्जी होती है, और वो एनर्जी यूनियन पावर से भी हाई वोल्टेज होती है।
मैं तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है। मुझे तुम्हें मारना है। मार। विदाउट वेपन्स। ड्रॉप द गन्स। मारो इसको। Oh!